रहमान रहीम एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम से मुखातब हूँ। जैसा कि हम तश्कील पाकिस्तान का पहला हिस्सा जो है वो हम पढ़ चुके हैं, अज़ीज़ तुलबा, आज हम इसका हिस्सा दोम पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो सबक का आगाज़ है वो औरंगज़ेब आलमगीर की वफात से शुरू होता है 1707 से, लेकिन 1707 से पहले की तारीख से भी हम थोड़े से वाकफ हो चुके हैं। उसमें हम देखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो शाहजहाँ का बेटा है। शाहजहाँ एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा मुग़ल हुक्मरान जिसने अपनी मलका के लिए, मुमताज़ महल के लिए ताज महल बनाया, वही ताज महल जिसके बारे में साहिब लुधियानवी ने कहा था, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और औरंगज़ेब आलमगीर जो है इसी शहनशाह का बेटा है। लेकिन देखिए अज़ीज़ तुलबा के, औरंगज़ेब आलमगीर से जब मुगलिया अहद जवाल की तरफ पहुंचता है, इससे पहले जो अदवार हैं बहुत, यानी कि नज़्म व नस्क के हवाले से और नज़्म इंसराम के हवाले से बहुत उम्दा और मुस्तहकम है। औरंगज़ेब आलमगीर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दीनदार और आदल हुक्मरान था। उसने अपने दौर में गैर शरी और गैर यानी कि इस्लामी जो रसूमात थी उनका कला कमा किया, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि वो अपने वालिद की ज़िंदगी में ही तख्ते इक्तदार पर बैठ गया। और जहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर ने बहुत सारी यानी कि हम देखते हैं कि इस्लाहात की, सियासी इस्लाहात की, वहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने किसी भाई को भी नहीं छोड़ा। हम सुनने में देखते आए हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, शायद इसी वजह से जब इक्तदार या कुर्सी की हवस बढ़ती है तो फिर रिश्तों का तकद्दस जो है कोई मायने नहीं रखता। जी अज़ीज़ तुलबा, आज हम अपने सबक के हिस्सा दोम की तरफ चलते हैं। आप अपनी किताब का जो तश्कील पाकिस्तान है उसका पेज नंबर 2 जो है वो निकाल लें, क्योंकि पहला पेज जो है हम तफसीर के साथ पढ़ चुके हैं। जी देखिए, 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैद का करदार। 1857 की जंग आज़ादी जब हुई तो उसमें हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पे मुसलमान जो हैं वो जवाल का शिकार हो जाते हैं, बल्कि अपनी हिम्मत और हौसले जो हैं वो खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मुस्लिम कौम जो है वो सर सैद अहमद ख़ान जो हैं इन हौसला टूटे हुए लोगों को जीने की अमंग दुलाते हैं। और यहाँ पे सर सैद अहमद ख़ान का एक बड़ा ह्यूज किस्म का करदार जो है वो शुरू होता है, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। तहजीब इखलाक ने साबित कर दिखाया कि इस्लाम असल के असूलों पर, अकल के असूलों पर मबनी है। तहजीब इखलाक क्या था? सर सैद अहमद ख़ान ने जब इंग्लिस्तान में दौरा किया तो वहाँ अपने क्याम के दौरान वहाँ पे उन्होंने स्पेक्टेटर और टेटलर की तकलीद में एक रिसाला निकाला, और इस रिसाले में आपने लोगों की शख्सी और समाजी इस्लाह के लिए बहुत सारे मजामीन लिखे। आपने ही नहीं और भी बहुत सारे उदमा ने इसमें मजामीन लिखे, और मजामीन लिखे जिन्होंने मुसलमानों की इखलाकी और तहजीबी हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत की। इसके लिए मेहदी अफादी कहते हैं कि नई नस्ल जो है अपनी तमाम तरक्की के बावजूद तहजीब व इखलाक की परवरदा है। आगे फिर देखें, आपकी तालीमी मसाई जी, आपकी तालीमी मसाई जो है 1870 में तकमील को पहुंची, यानी कि 1870 में क्या हुआ, अलीगढ़ कॉलेज बना। लेकिन 1877 से पहले 1800 हम देखते हैं कि 75 में आपने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल जो है उसकी बुनियाद रखी,
जो दो साल बाद 1870 में अलीगढ़ कॉलेज बन गया। अलीगढ़ कॉलेज जो है उसने देखते ही देखते एक तहरीक का रूप धार लिया। इसमें जितने भी यानी के लोग थे, इसमें मुसलमान जो हैं, यहाँ पे आप किताब में भी देखिए, कहते हैं जब अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ तो कम से कम 30 बरस तक मुसलमान हिंद का वाहद कौमी मरकज़ रहा। इससे फारग तहसील जो तलबा थे उन्होंने मजहब सियासत मईशत माशत हर लिहाज से ज़िंदगी के तकरीबन कोई शोबा ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की खिदमत नहीं की, मुसलमानों की खिदमत आप नहीं की। और उसके बाद में यहाँ के जो बड़े बड़े नाम हम देखते हैं, शिबली नमानी हैं, नवाब मोहसिन मुलक हैं, वो भी इस अदारे से वाबस्ता रहे। जी 1884 में आपने पंजाब का दौरा किया। सर सैयद अहमद ख़ान जहाँ पे अलीगढ़ के साथ वाबस्ता रहे, वहाँ पे उन्होंने 1884 में जब पंजाब का दौरा किया तो अंजमन हमायत इस्लाम का अदारा कायम किया। अंजमन हमायत इस्लाम का जो मकसद था वो और भी तलीमी इदारे कायम करना था, और इसके ज़ेर इंतज़ाम बहुत सारे तलीमी इदारे जो हैं वो बने, ख़ास तौर पर बेबस बेकस और बेसहारा यतीम बच्चों के लिए यहाँ पर एक अकामती दरसगाह भी बनाई गई, और जिसमें मुसलमानों के लिए यानी कि पंजाब के जो मुसलमानों थे उनकी समाजी और शख्सी और सियासी खिदमत जो है वो की गई। अंजमन हमायत इस्लाम का अदारा जो है ये कायम हुआ। उसके बाद में देखिए एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। इस अदारे की बुनियाद का भी ये मकसद था कि मुल्क भर में और दीगर शहरों में तलीमी अदारे जो हैं वो कायम किए जाएँ और मुसलमानों की तलीमी हालत को जो है वो बेहतर बनाया जाए। इसके ज़ेर इंतज़ाम जो भी अदारे बने उनमें पंजाब में अंजमन इस्लामिया अमृतसर है, सिंध में सिंध मदरसतुल इस्लाम है, बंगाल में मौसन ट्रस्ट है, पंजाब में अंजमन हमायत इस्लाम है, और इसके अलावा अंजमन हमायत इस्लाम पेशावर जैसे अदारे जो हैं वो भी मार से वजूद में आए। फिर 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा होता है। इसमें हिंदू क्या हैं, हिंदू चाहते हैं कि उर्दू को ख़त्म करके यहाँ पे भाषा ज़मान जो है वो राइज की जाए। यही वो मौका था जब सर सैयद को ये कहने की ज़रूरत पेश आई। सफ़ा नंबर 2 पे ही देखिए कि मुझे यकीन हो गया कि अब हिंदू मुसलमानों का बतौर काम एक कौम के साथ चलना महाल है, दोनों कौमें किसी काम में दिल से शरीक ना हो सकेंगी। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान की जितनी भी कोशिशें थी वो मुसलमान और हिंदुओं दोनों के लिए थी। आपने अगर 1857 में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर जदोजहद की थी कि अंग्रेज़ के तसल्लस से आज़ादी हासिल कर ली जाए, लेकिन बाद में अपनी ही खुदगर्ज़ी की वजह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में 1857 के बाद जब मुसलमानों पे बेतहाशा अताब नाजल किया गया तो सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसे दूर अंदेश मुस्लिम कौम थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे मुसलमानों की इसलाह की। आपने हम यानी कि कसीर अलजहती प्रोग्राम जो है वो आपने शुरू किया। आपने सिर्फ़ और सिर्फ तलीम के लिए कोशिश नहीं की, आपने तलीम के लिए, सियासत के लिए, मजहब के लिए, अदब के लिए, दीगर यानी कि माशरती समाजी तमाम अवामल के लिए आपने कोशिशें की। तो फिर उसके बाद में देखिए कि बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। 1885 में एक अंग्रेज़ ए ओ ह्यूम ने बाकायदा तौर पे इस जमात की बुनियाद रखी जिसका मकसद तमाम बरेसगीर से लोगों के मसाइल को हल करना था। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मौका पर दूरंदेशी से काम लेते हुए मुसलमानों को इसमें शमूलियत से रोक दिया क्योंकि आप दूरंदेश थे। और फिर वक्त ने साबित किया, बल्कि बाद में क्या हुआ कि ये जमात जो है वो हिंदुओं के हाथ लग गई, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की बालादस्ती के लिए कायम किया
और इस पे अजारादारी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हिंदुओं की हुई। फिर उसके बाद में असबाब बगावत हिंद आपने किताब लिखी, जिसमें सर सैयद ने अंग्रेज़ों को ये बताने की कोशिश की थी कि गदर का सबब जो है वो क्या था, क्योंकि कौंसलों में मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया गया था और फिर जब हिंदुओं के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ताब का निशाना बनाया गया तो मुसलमानों की नफ़रत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो बढ़ गई। ना वो अंग्रेज़ों को देखना चाहते थे और इनकी तालीम और ज़बान तो बहुत दूर की बात है, इसी वजह से मुसलमान जो हैं इनसे नफ़रत करने लगे। जी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बाकायदा यहाँ पे असबाब बगावत हिंद लिखकर हुकूमत वक्त को ये बावर करवाने की कोशिश की कि मुसलमान अगर यानी कि आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लड़े हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई यानी कि पसे मंज़र है। फिर 1878 में सर सैयद कौंसिल के मेंबर नामज़द हुए। 1870 में जब सर सैयद कौंसिल के मेंबर नामज़द हुए तो आपने मुल्क भर में पे दर पे बहुत ज़्यादा तकरीरें की। इन तकरीरों का ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमान जो हैं ख्वाब गफलत में सोए हुए थे वो जाग उठे, उन्हें अपने हकूक़ के लिए शऊर जो है वो मिला। 1898 में सर सैयद अहमद का इंतकाल हुआ। 1898 में जब सर सैयद का इंतकाल हुआ तो एक रोशन बाब जो है वो बंद हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कौम ख्वाब ग्रां से जाग गई, कौम की आंखें जो हैं इस मुसले कौम की वजह से खुल गई थीं। लेकिन 1898 में जब सर सैयद का इंतकाल हुआ तो आपका जारी काम जो है वो जारी व सारी रहा। सर सैयद के रुफका में मौसल मुल्क हैं, वकारल मुल्क हैं, हाली हैं, जकाउल्ला हैं, शिबली नमानी हैं, उन्होंने सब ने तलीमी और सियासी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी। मौसल मुल्क ये वही सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्त और जानिसार हैं जिन्होंने 1920 में जो अलीगढ़ कॉलेज था उसे बाकायदा यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाया। वकारल मुल्क वो शख्सियत हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। हाली सर सैयद के वो रफ़ीक हैं, वो जानिसार हैं जिन्होंने सर सैयद की फरमाइश के ऊपर मुसद्दसे हाली लिखी थी। मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से एक तवील नज़्म लिखी जो मुसद्दस हैत में थी, बल्कि इसमें मुसलमानों का अरूज व ज़वाल जो है बहुत ही दिलगीर तरीके से बयान किया। और इस मौके पर सर सैयद अहमद ख़ान ने ये अल्फाज कहे कि अगर रोज़ महशर खुदा मुझसे मेरे नामा अमाल का हिसाब लेगा तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। जी अज़ीज़ तुलबा, ये थे सर सैयद अहमद ख़ान के तमाम रुफका, सर सैयद अहमद ख़ान के तमाम दोस्त जिन्होंने सर सैयद के इंतकाल के बाद उनके मिशन को जारी व सारी रखा। और यही वजह है कि सर सैयद अहमद का काम जो है वो बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि मुसद्दस ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब की लहर दौड़ा दी। उसके बाद में हम देखते हैं कि शिबली ने तारीख के आईने में उन्हें अपनी गुज़श्ता अज़मत दिखाई। जी अज़ीज़ तुलबा, अब जो है वो सफ़ा नंबर 3 है, सबक का सफ़ा नंबर 3। अगर तरतीबवार देखें तो सफ़ा नंबर 8 बनता है, लेकिन आप सबक का तश्कील पाकिस्तान का सफ़ा नंबर 3 निकाल लें। आगे फिर अमीर अली ने अपनी अंग्रेज़ी तसानीफ़ से मगरबी हलकों में इस्लाम की वक़त पैदा की। आपने अंग्रेज़ी ज़बान को इस्तेमाल करके बाकायदा तौर पे मगरबी हलकों में इस्लाम की वक़त और अहमियत जो है वो पैदा की। अलीगढ़ तहरीक की वजह से कौम में कई और तहरीकात जो हैं वो शुरू हो गई। इख्तलाफात ज़रूर रूनमा हुए लेकिन एक हद तक। ये नई ज़िंदगी का निशान थे सर सैयद अहमद, अमीर अली और दीगर बुज़ुर्गों ने इस्लाम को मगरबी अलूम से इस तरह जा मिलाया कि इसे एक तरक्की याफ्ता मज़हब साबित किया। लेकिन इस जदीद इल्मुल कलाम के रद्देअमल के तौर पर बास मज़हबी मसाइल बुरे कार आए। जदीद इल्मुल कलाम क्या होता है? मज़हबी अलूम को अकली दलाइल से
साबित करने के इल्म को हम इल्मुल जदीद इल्मुल कलाम कहते हैं। जी देखिए, यहाँ पे अमीर अली ने अपनी अंग्रेज़ी तसानीफ लिखकर मगरबी हलकों में इस्लाम की वक़्त पैदा की। ये वो रहनमा थे, ये वो लिखने वाले थे जिन्होंने बाकायदा मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो अंग्रेज़ों तक पहुँचाए। आगे फिर शिबली ने 1894 में लखनऊ में नदवतुल उलमा कायम किया। शिबली ने, क्योंकि अलीगढ़ के बाद हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़का में आप शुमार हैं, लेकिन आपको सर सैयद अहमद ख़ान से कुछ नज़रियाती इख्तलाफात थे, इसलिए आपने उनसे अलीहदगी इख्तियार करके 1894 में बाकायदा तौर पर नदवतुल उलमा के नाम से एक मदरसा कायम किया, और उसका मकसद जो था मुसलमानों को मजहबी तलीम के साथ साथ जदीद तलीम भी देना था, यानी कि जहाँ पे जदीद तलीम देते थे वहाँ पे दीनी तलीम का भी इंतज़ाम आपने किया। और इकबाल ने कौम को एक नए फ़लसफ़े से रोशनास किया। ये इकबाल का जो दौर है इसमें मुसलमान जो है तनज़ल और ज़वाल का शिकार है। इकबाल जो है वो भी एक ऐसा दूर अंदेश है जिस जो कौम की नफ्स को जानता है, उसकी रग रग से वाकफ है। इकबाल ने फ़लसफ़ा खुद ही पेश किया जिसको इकबाल ने तीन मराहल में तकसीम करते हैं। कौन कौन से मराहल हैं? एक अतात है, ज़ब्त नफ्स है, नियाबत इलाही है। इसकी तफसील जो है हम थोड़ी सी जो है पेज नंबर 3 पे पढ़ते हैं। जी, इन मसाइल का नतीजा ये हुआ कि मजहब से बेगानगी जो है बहुत हद तक कम हो गई, मगरब की ज़हनी गुलामी से निजात मिल गई, लेकिन साथ ही एक ऐसी फ़िज़ा भी पैदा हो गई जिसमें अपनी हर चीज़ अच्छी और दूसरों की हर चीज़ बुरी नज़र आने लगी। इसकी इस्लाह ज़रूरी होगी। इकबाल ने आकर इस्लामी और मगरबी अलूम के गहरे मुताले के बाद अपना ख़ास इस्लामी फ़लसफ़ा जो है वो कौम के सामने पेश किया, जिसका मकसद कामल तरीन इंसान की इनफरादी और इज्तमाई नशोनुमा है। इकबाल का ख्याल है कि इंसान अतात, ज़ब्त नफ्स, नियाबत इलाही की तीन मंजिलें तय करता हुआ खुदी की इंतहाई बुलंदी पर पहुँच सकता है। इससे इर्तका में इसे मजहब की रहनमाई जो है वो दरकार है। इकबाल ने चार चीज़ों पर जोर दिया। अव्वल तौहीद, जिस पर पूरा ईमान अमलन इंसान को खौफ और मायूसी से आज़ाद कर देता है। इकबाल ही का एक शेर, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। नीस तौहीद दे इलाही, तौहीद इंसानी में परतो फगन होती है। परतो फगन होती है मीन्स के रोशनी देती है। दोम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी मुकम्मल तकलीद। सोम, कुरान का मुतालिया और इसकी तलीमात की पैरवी। चहारम, रजाइत यानी मायूसी और गम पसंदी को तर्क करके अमीर हिम्मत और जुर्रत की राह इख्तियार करना। इकबाल ने सच्चे मोमन की तारीफ जो है कुछ यूँ की है। इकबाल का वो शेर भी यहाँ पर बिल्कुल पूरा उतरता है जब हम खुदी की बात करते हैं या फ़लसफ़ा खुदी की अहमियत को जानने की कोशिश करते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन यहाँ पे किताब में देखिए पेज के आखिर में कहते हैं कि इकबाल सच्चे मोमन की यूँ तारीफ करते हैं, हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में करदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफारियो कदूसियो जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। जी अजीज़ तुलबा, यहाँ पे जो अशार हैं कहते हैं हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान, ये मोमन जो है हर घड़ी एक नई आन और एक नई शान होती है। क्योंकि इकबाल के कलाम में हम जहाँ पे फ़लसफ़ा खुद ही देखते हैं वहाँ पे हम हरकत और अमल भी बहुत देखते हैं। इकबाल जो है सुस्त रवि को, काहली को बहुत बुरा समझते हैं। वो
हरकत और अमल के फ़लसफ़े पर अमल करते हैं और यही तलकीन जो है वो अपनी कौम को करते हैं। कहते हैं गुफ्तार में करदार में अल्लाह की बुरहान, जब वो गुफ्तगू करते हैं या उनका जो करदार होता है उसमें अल्लाह ताला की दलील और निशानियाँ होती हैं। जी कहारियो गफारियो कदूसियो जबरूत, कहारी मीन गैज़ो गज़ब वाला, गफार माफ़ कर देने वाला, कद्दूसी पाक, जबरूत अजमत व जाहो जलाल वाला, यानी कि मुसलमान के अंदर ये चार निशानियां जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए तभी वो सही मायनों में मुसलमान कहलाता है। कहते हैं कि ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। तो मुसलमान जो है इतने जाहो जलाल वाला होना चाहिए, ये तमाम की तमाम निशानियाँ जो हैं उसमें मौजूद होनी चाहिए। इकबाल ने अपनी कौम को ये कहकर उकसाया, सफ़ा नंबर 4 है जिसका पहला शेर है, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा उछल गए हैं। बहुत ही आम फहम, बहुत ही खूबसूरत शेर, कि पहले भी बताया कि इकबाल जो हैं वो खुदी के साथ साथ हरकत और अमल के फ़लसफ़े पे बात करते हैं। तो जो लोग ठहर जाते हैं कोशिश नहीं करते, उन क्या होता है कि जो चलते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मंजिल की कामयाबी के लिए हरकत और अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मेरे ख़्याल में ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें इन तमाम चीज़ों से वाकफियत होना जो है हमारी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसको थोड़ी सी दिलचस्पी के साथ, थोड़े से यानी कि तवज्जो के साथ इसको पढ़ें, तो हम बाकी मरहला वार जो हैं दो यानी कि मरहलों में हम बाकी सबक या एक हिस्से में हम बाकी सबक जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। और इस तरह अगर तरतीब वार आप अपने जहन में ये तमाम चीज़ें रखेंगे तो इसका खुलासा लिखना जो है आपके लिए आसान होगा। नामुमकिन तो नहीं, यानी कि इम्तहानी नुक्ता निगाह से देखें तो तश्कील पाकिस्तान का खुलासा जो है वो इम्तहान में नहीं आता, लेकिन एक दफ़ा आया भी हुआ है, आ भी सकता है। तो लिहाजा क्या है कि हमें हर हवाले से इसको मुकम्मल जो है वो तैयार करना है। जी अल्लाह हाफिज़।